हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ऑफ क्लासेस। सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में होता क्या है। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सम रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली। चलो, सो क्या है सम हमारे पास, क्या कहता है? द वेरी फर्स्ट सम इज सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव एड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसे करना उतना मुश्किल भी नहीं है, सबसे आसान है। और मोस्टली जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है। क्या कहता है कि जितने भी इवन नंबर हमारे पास दुनिया में हैं, सब 2q के फॉर्म में रहेंगे। ओके, क्यू क्यू कुछ भी हो सकता है हमारे पास नंबर, मगर वो 2 × एनी नंबर के फॉर्म में रहेंगे। 2 × क्यू, क्यू कैन बी एनी नंबर। ओके, और नहीं तो 2q+1 के फॉर्म में, नहीं तो नहीं, जितने भी हमारे पास में ऑड नंबर्स हैं। सो इवन नंबर शुड बी इन दिस फॉर्मेट 2q एंड ऑड नंबर शुड बी इन दिस फॉर्मेट, इज इट? अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉम अवर कॉमन सेंस वी कैन से डैट ना कि इवन नंबर जितने भी होंगे, जितने जैसे कि 2 हो गया, उसे आप क्या लिख सकते हो? 2q के फॉर्म में लिख सकते हो ना, 2 × 1। जैसे ले लो आप 16, 2 × 8, इज इट? सबको लिख सकते हैं ना, बिकॉज वी नो डैट कि इवन नंबर जितने भी होते हैं वो 2 से मल्टीपल होगा तभी वो इवन नंबर होगा, है ना? और ऑड नंबर ऐसा होता है जो 2 से मल्टीपल तो होगा बट उसमें +1 कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा। क्यों ऑड हो जाएगा? जस्ट बिकॉज कि आफ्टर एवरी इवन नंबर देयर इज अ ऑड नंबर, और ऑल्सो वी कैन से डैट आफ्टर एवरी ऑड नंबर देयर इज अ इवन नंबर। सिंपल ना? बट देयर इज अ स्टेप। अब आप क्लास 10th में हो, डायरेक्टली ऐसे तो लिख नहीं सकते कि सब ऐसे ही फॉर्म में होता ही है सर, हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यूक्लिड डिविजन लेमा अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे ये देखो। चलो, सो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट, क्या लिखते हैं, लेट ए एंड बी, ए, वन मिनट, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सच डैट, क्या सच डैट? मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप ए हमेशा बी से बड़ा लोगे, ठीक है? नाउ, अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा है ना, ए इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर, इज इट? ये हमने पढ़ा है ना, जहां पे हमारा आर जो होना चाहिए या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट बी से तो हमेशा ही ये छोटा होगा, इज इट? और ये स्टेटमेंट आपको कहां से मिल रहा है? बाय यूक्लिड डिविजन लेमा। अब ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं EDL, बट आप ऐसे नहीं लिखोगे। ओके, चलो अब क्या करना है? अब इसके बाद ये बहुत सिंपल है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। क्या कहता है कि यहां देखो, अभी हमारा जो नंबर है बच्चे, ये क्या है, बी, बी के यहां पे ना कंपेयर करो आप, है ना? कंपेयर करोगे क्या हो जाएगा, 2q+1 है ना, 2q+1, तो हमारे बी के जगह पे आपको हमेशा क्या दिख रहा है, बी के जगह पे अगर इसे इस फॉर्मेट में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिख दूं ऑन पुटिंग पी इज इक्वल्स टू 2, पी इज इक्वल्स टू, जब आप 2 पुट कर रहे हो तो क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, अवर इक्वेशन 1 विल बिकम व्हाट, ए इज इक्वल्स टू 2q+r, इज इट? इट विल बी 2q+r। मगर एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन होती है कि सर आपने बी इज इक्वल्स टू 2 क्यों ले लिया? बच्चे जब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व कर रहे हो किस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप, तो कभी भी इस फॉर्मेट में अगर नंबर आपके पास में रहेगा 2q, 2q+r, तो ये जो नंबर होता है हमारे पास में, जो कांस्टेंट नंबर रहता है, हम उसे b मान लेते हैं, इज इट? क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो फिर जब हमने b मान लिया क्या 2,
तो फिर आर क्या क्या हो सकता है? आर इज इक्वल्स टू हो सकता है 0 और हो सकता है आर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है, आर शुड बी इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो इक्वल टू 0 तो 0 हो सकता है, नहीं तो लेस देन बी, तो बी तो 2 है हमारा, तो लेस देन बी हमारा 1 हो सकता है। इज इट इवन और ऑड इंटीजर की बात हो रही है यहां पे, है ना? तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है इफ, इफ क्या लिखेंगे, इफ नहीं लिखते, वेन लिख देते हैं। हाँ, वेन आर इज इक्वल्स टू, सॉरी, या व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, आर जब 0 होगा तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 2q। इज इट, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 ए क्या हो जाएगा, 2q, जो डिविजिबल बाय 2 है, इट इज व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। वाई इट इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल ऑफ 2 ऑल्सो, ऑफकोर्स ना, नाउ एंड देयर फॉर इट इज अ इवन नंबर। तो फिर जितने भी नंबर हो गए, जितने भी इवन नंबर हो गए, वो किसके फॉर्मेट में आ जाएंगे, 2q के फॉर्म में हो जाएंगे। वेन आर इज इक्वल्स टू 1, हाँ, आर इज इक्वल्स टू 1 जब हो जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो है वो हो जाएगा 2q, और आर के जगह पे, यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा, 1, 2q+1। इज इट, सो 2q+1 जो है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑड इंटीजर हो जाएगा ना, क्योंकि आफ्टर एवरी इवन नंबर, जब आप, ये इवन नंबर है ना अभी, है ना, अवर आफ्टर एवरी इवन नंबर जब भी आप 1 उसमें ऐड कर देते हो तो वो ऑड हो जाता है। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, क्या लिख लोगे, कि या 10 जो भी दिया हुआ है, 10 एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q+1 एंड हेंस वी हैव सॉल्व इट। ओके, तो ये क्वाइट सिंपल था। और यहाँ पे कंफ्यूजन वाली जो टर्म होते हैं वो दो होते हैं, बस ये कि बी जो डिसाइड करना होता है, वो बी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो बी हमेशा हमारा कौन सा होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, आप उसे मान लेते हो। देखो, बी डिसाइड करना सिर्फ यही नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, मगर यहाँ पे देखो, जब आप रिलेट करोगे 2q+1, 2q, तो ये इस फॉर्मेट में ऐसे ही आ रहा था ना, बी हमारा यहीं पे आ रहा है ना, 2q+1 में बी हमारा ये हो रहा है ना, तो हो गया हमारा ये सब। चलो, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। थैंक यू सो मच।